रंगोत्सव के पांच दिन बाद रंगपंचमी पर वातावरण एक बार फिर रंगीन हो गया। शारदा विहार राज्य के अंतर्गत स्थित राधा कृष्ण मंदिर में यादव समाज ने कान्हा के साथ रंग गुलाल खेलकर उत्साह दिखाया। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रमेश यदु इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सर्व यादव समाज की ओर से रंग पंचमी पर रंगारंग आयोजन राधा कृष्ण मंदिर परिसर वार्ड क्रमांक 12 शारदा विहार में किया गया। रंगपंचमी की परंपरा का निर्वहन करने के साथ सदस्यों ने बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के साथ जमकर होली खेली। महिलाओं ने इस अवसर पर नृत्य भी प्रस्तुत किया। महिला समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम अपने आप में खास रहा। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रमेश यदु ने बताया कि सभी प्रकार के विकार को समाप्त करने के साथ अच्छे संकल्प से समाज हित में काम करने की जरूरत है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को सारे विकारों को बुलाकर, समाज सारे विचारों को बुलाकर, सारे मतभेद को बुलाकर संपूर्ण लोग संपूर्ण द्वेष है दिल में उस सारे चीज़ों को भूल कर आज रंग बिरंग मिलाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर आज का सारे इसको कलर लगाते हैं और इस त्यौहार के माध्यम से लोग आज अपनी एकता का प्रदर्शित करते हैं। रंग पंचमी पर आयोजित हुए कार्यक्रम से राधा कृष्ण मंदिर परिसर का वातावरण बेहद विशेष हो गया। समाज के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने इस कार्यक्रम की सफलता में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। कोरबा से रामेश्वर साहू की रिपोर्ट।